सर बोलिए। कल से ट्रैफिक पुलिस और पूरा तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये व्हीकल यूज़र्स को हमारा तरफ से इन लोगों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट मतलब बाइक्स को ऑलमोस्ट 75% डिस्काउंट दे रहे हैं। चालान में 25% भरना है और ये कार्स और हेवी व्हीकल्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 50% भरना है। और आरटीसी ड्राइवर्स को अराउंड 30% भरना है, 70% डिस्काउंट है। ये पुश कार्ड्स वालों को 20% पे करना है और 80% डिस्काउंट है। और बहुत सारे लोगों पे भी ये नो मास्क केसेस भी है, तो इसमें 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 10% भरना है। 1000 फाइन था, तो अब 100 भरने से इनका चलान माफ़ी हो जाएगा। तो ये भारी डिस्काउंट्स ये कोविड की वजह से लास्ट ईयर्स में से पब्लिक को बहुत दिक्कत हुआ, और इसी वजह से हम पुलिस डिपार्टमेंट और सब स्टेक होल्डर्स ने ये डिसीजन लिए। मार्च 1st से ये शुरू होता है, मार्च 1st से लेकर मार्च 31st तक ये डिस्काउंट हमारा तरफ से यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप व्हीकल यूज़र्स में व्हीकल यूज़र्स तेलंगाना ई चलान वेबसाइट को एक्सेस होना है और वहाँ लिंक रहता है, और लिंक में क्लिक करने से इनको इनका पूरा चलान मतलब चलान अमाउंट कितना है और डिस्काउंट लेने के बाद कितना पेमेंट करना है वो पूरा आता है। और इनका फ़ोन को भी एक एसएमएस भी, चालान क्लियर होने के बाद एसएमएस भी आता है, ऑनलाइन तो पे ही करना है। नो मास्क चालान आप जो बताए, हाँ 90% डिस्काउंट होते हैं, हाँ तो ये आप जो 30-25% नहीं, इसमें से बहुत सारे लोगों को ये व्हीकल पे ही चालान डाले ये कोविड के टाइम में, नो मास्क केसेस 1000 रुपये कुछ फाइन डाले, तो इसको भी वो व्हीकल चलान ई चलान हिस्ट्री में भी वो है, तो 90% भरने से वो 10% भरने से 90% डिस्काउंट मिलता है। नहीं कुछ नहीं है, यूज़र चार्जेस भी पूरा इसमें 25% में ही इंक्लूडेड है सब। वर्क करते वो लोग जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं हम तुम्हारे काम नहीं, किसी को इसलिए वर्चुअल मोड में कर रहे हैं। और आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं आप, और अगर जाना है तो ई सेवा मी सेवा सेंटर्स में भी जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इतना पेमेंट गेटवेज को मतलब बैंक से, बैंक को जाके वहाँ से भी कर सकते, तो इतना पेमेंट गेटवेज है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कंपाउंड बूथ को भी आ सकते, कंपाउंडिंग बूथ भी है वहाँ भी आके वहाँ भी भर सकते हैं। हेल्पलाइन नहीं, हेल्पलाइन नंबर नहीं, इज़ अ हेल्प।